माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। मैनपुरी सपा सांसद डिंपल यादव की इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने इस एनकाउंटर पर कहा कि यूपी में लगातार फेक एनकाउंटर होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें रूल्स और रेगुलेशन है, उनकी लगातार उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक साथी गुलाम को यूपीएसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था। इस एनकाउंटर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में फर्जी मुठभेड़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार को इस तरह की कार्रवाई करने के लिए एनएचआरसी से कई बार नोटिस भी मिले हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं रखते। आज के व हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो व दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं है, भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। अब इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में लिखें अपना जवाब और देखते रहिए इंडिया पोल न्यूज़।